जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब ब्याहने वाली ऊंटनियां यूं ही छोड़ दी जाएंगी और जब वैशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समंदर आग हो जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब उस बच्ची से जो जिंदा दफना दी गई हो पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह के सबब कत्ल कर दी गई और जब आमाल के दफ्तर खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब दोजख की आग भड़काई जाएगी और जब बहिश्त करीब लाई जाएगी तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। बस मैं उन सितारों की कसम खाता हूं जो पीछे हट जाती हैं और जो सैर करते और गायब हो जाती हैं और रात की कसम जब वो फैलने लगती है और सुबह की कसम जब वो नमूदार होती है कि बेशक ये कुरान उस फरिश्ते आली मकाम का सुनाया हुआ पैगाम है जो साहिब कुव्वत है मालिक अर्श के हां ऊंचे दर्जे वाला है सरदार है साथ ही अमानतदार है। और मक्के वालों तुम्हारे रफीक यानी हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं है और बेशक उन्होंने इस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर देखा है और वो गैब की बातों के जाहिर करने में बखील नहीं और ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं है। फिर तुम लोग किधर जा रहे हो? ये कुरान तो तमाम जहानों के लिए नसीहत है यानी उसके लिए जो तुम में से सीधी राह चलना चाहे और तुम लोग कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे।